नागरिक है और ये झंडा हमारे हाथ में है। हर घर में ये झंडा लहराने से यह फायदा होगा कि हर देश के नागरिक में, हर घर के व्यक्ति में इस झंडे की महत्व होगी। इस वर्ष हम लोग 75वां स्वतंत्रता का अपना वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। हर घर पे तिरंगा बंधवाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिससे ये हम लोगों का संकल्प है कि हर घर के ऊपर तिरंगा हम लोगों का बंधा होना चाहिए। मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेंगे, ये देश हमारा और मजबूत हो, भारत एक विश्व शक्ति बने, इसके लिए हम लोग इस तिरंगे की शान को बढ़ाने का कार्य करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और हर घर तिरंगा अभियान को भी तेजी दी जा रही है। हम इस वक्त नगर निगम क्षेत्र के चिन्हट प्रथम वार्ड में मौजूद हैं, जहां पर वर्तमान पार्षद स्नेह लता राय के पति अरुण राय जो है वो डेली इन सडक की पहल पर झंडा वितरित कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से जो क्षेत्रवासी हैं वो जोश से लबरेज हैं, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इसी के तहत जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको भी तेजी दी जा रही है। डेली सड़क की पहल पर आज चिन्हट प्रथम वार्ड में झंडा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, सब जोश से लबरेज हैं। हम बात भी करेंगे अरुण भैया, हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा वितरित कर रहे हैं, क्या कहेंगे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, इस वर्ष हम लोग 75वां स्वतंत्रता का अपना वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। हर घर पे तिरंगा बंधवाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिससे ये हम लोगों का संकल्प है कि हर घर के ऊपर तिरंगा हम लोगों का बंधा होना चाहिए और इससे हमारा देश को और मजबूती मिले, देश को और रौनक मिले और हमारे माननीय मोदी जी का जो आह्वान है, जो संकल्प है इस देश को विश्व गुरु भारत बनाने का, उसमें हम लोग उनके साथ खड़े होने का यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेंगे, ये देश हमारा और मजबूत हो, भारत एक विश्व शक्ति बने, इसके लिए हम लोग इस तिरंगे की शान को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश जोश से लबरेज है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि पर्व के रूप में इसको मनाया जाए। देखिए, वैसे भी ये स्वतंत्रता 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन हम लोगों का, और 15 अगस्त से बड़ा कोई त्यौहार हमारे देश में दूसरा नहीं होता है। इसको इतना भव्य रूप देने का आह्वान जो प्रधानमंत्री ने किया है, जिससे हमारे देश में एक अलग खुशी का वो है लहर है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम देख रहे हैं हमारे देश की एक एक जनता, एक एक जन अपने घर पे स्वयं झंडा बांधने का कार्य, हम लोगों के कार्यालय से झंडा मांग करके ले जाके अपने घरों पे बांधने का कार्य लोग कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक रौनक बनी हुई है और इससे इस मुहिम से पूरा देश बहुत खुशहाल है। तो कुल मिलाकर चिन्हट प्रथम वार्ड में झंडा वितरित कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि घर घर घंटी बजा के झंडा वितरित किया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि इस झंडे की शान जो है उसमें लगातार जो है बढ़ोतरी होती रहे और इसको लेकर लगातार जो है वो जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम ने पार्षदों जो है उनके सौजन्य से इस अभियान को घर घर तक पहुँचाने की बात कही है। उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चिन्हट प्रथम वार्ड में जो अरुण राय की टीम है वो झंडा वितरित कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। क्षेत्र की महिलाएं हैं वो आगे निकली हैं और घर घर जाकर तिरंगा वितरित कर रही हैं। कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आह्वान था, उन्होंने उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। झंडा मिला है, 15 अगस्त मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम इस दिवस से बहुत खुश हैं और ये दिवस हमारी आज़ादी का दिवस है और इससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, बस यही कहना चाहेंगे। कुल मिलाकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं जो हैं वो आगे आई हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत खुशी है कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये झंडा हमारे हाथ में है, बहुत खुशी है इस बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान हो, छतों पर तिरंगा लहराया जाए, क्या कहेंगी? इस अभियान से किस तरीके से अपने आप को जोड़ेंगे?
हर देश में हर घर में ये झंडा लहराने से यह फ़ायदा होगा कि हर देश के नागरिक में हर घर के व्यक्ति में इस झंडे की महत्व होगी। बिल्कुल बड़ी बात कही है, लोगों को साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस स्वतंत्रता सप्ताह जो आयोजित किया जा रहा है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं देशवासियों में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको जगाने को तेज़ी मिल रही है और जोश जो है वो देखते बन रहा है लोगों में कि किस तरीके से लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं, स्वतंत्रता सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है उससे जुड़ रहे हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, देश प्रेम की भावना है वो निकल कर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको राजधानी लखनऊ में तेज़ी मिलती हुई दिखाई दे रही है और डेली इंसाइडर की पहल पर आज चिन्हट प्रथम वार्ड में झंडा वितरण कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पर पार्षद स्नेहलता राय के प्रति जो है अरुण राय वो झंडा वितरित कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक देश प्रेम का संदेश दिया जा रहा है और साफ तौर पर सभी से ये अपील की जा रही है कि इस 15 अगस्त अपने घरों पर झंडा लहराएं और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाएं। प्रियजन अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।